बारिश भी हुई थी और आज मौसम बहुत अच्छा था। हमें मामू ने कॉल की कि आज हम लोग एक विलेज जाएंगे वहाँ रिवर साइड पे, और हमारी नानो भी होंगी हमारे साथ, हमारे मामू भी, हम सब लोग जाएंगे वहाँ पर। हम लोग लंच भी करेंगे, हम उधर नहाएंगे भी उधर रिवर में थोड़ा थोड़ा पानी होगा, हम लोग वहाँ पर नहाएंगे भी। और हम लोग वहाँ पर अभी जाएंगे और फिर पहले हम अपने मामू के घर जाएंगे, फिर हम वहाँ से उन्हें ज्वाइन करके फिर हम जाएंगे। आज मैं आपसे विलेज की फुल वाइब शेयर करूँगी, वहाँ पर हमें बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन आपने मेरे साथ ही रहना है, आपने मेरे साथ शुरू से आखिर तक रहना है कि ताकि मैं आपको भी अपने साथ इंजॉय करूँ और हम भी आपके साथ इंजॉय करें। चले आए, देर हो रही, हम लोग चलते हैं। फिर हम अपनी बड़ी मम्मा के घर पहुँचे जल्दी से, और फिर उधर सब ने बहुत मज़े के खाने बनाए थे। मेरी मम्मा ने, बड़ी मम्मा ने और मामियों ने बहुत मज़े के खाने के बनाए थे। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी पैक किए और फिर हम लोग निकले, और रास्ते में देखे कितनी ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा मौसम था और आज हमने इंजॉय भी बहुत किया था। और अभी हम लोग रिवर जा रहे हैं, मेरे साथ में छोटे छोटे कज़न भी जा रहे थे क्यूट क्यूट से। हम सब कज़न्स मिलके सुजुकी कैरी में बैठे थे कि ताकि हम अपनी इंजॉयमेंट कर सकें, और जो सारे बड़े बड़े थे तो वो एक अलग गाड़ी में बैठे थे। इस वक्त अभी हम एक बहुत बड़े रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, ये अभी हम ब्रिज पे, नीचे एक बहुत बड़ा रिवर है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत बड़ा एक रिवर है, ये दरियाए नागुमान है। ये देखिए हमारा पाकिस्तान कितना प्यारा है, इधर कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी विलेज है, और यहाँ रास्ते में बहुत सी विलेजेस आती हैं, बहुत प्यारी व खूबसूरत। हम अभी जिस गांव जा रहे हैं वो शबकदर से आगे है, और उसका नाम गुंडी है, वहाँ पर बाग ही बाग है। मौसम भी यहाँ पर अभी बहुत अच्छा है, और हर तरफ ग्रीनरी है, हर तरफ बड़े बड़े ट्रीज ही आपको देखने को मिल रहे हैं। प्योर विलेज वाइब्स आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। विलेज में पहुंचने वाले, जो आप सामने बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं ना, तो इसके दामन में ही है वो विलेज, और यहाँ पर दरियाए स्वाद भी बह रहा है। इन्हीं पहाड़ों के बैक साइड पे मोमंत एजेंसी है। ये जो साइड पे आप कैनाल देख रहे हैं, ये दुआबा कैनाल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो 400 तक फैला हुआ है, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। आज मैं यहाँ पर गुंडा पे आई हूँ। यार देखे बहुत प्यारी विलेज है, यहाँ पर देखे कितना प्यारा पानी है। हम अब यहाँ पर नहाएंगे। ये पेशावर से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर है। ये देखिए यहाँ पर दूर दूर में खूबसूरत पहाड़ है, और यहाँ पर एजेंसीज भी हैं। बहुत मज़े का लंच लाए थे हम, बहुत ज़्यादा खाने लाए हुए थे, गोश्त, चावल, कबाब,
स्पेगेटीज और शामी कबाब वगैरह थे। बहुत ट्रैवल करने के बाद हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। फिर हम लोगों ने आते ही साथ हमने खाना खा लिया। मेरी कज़न को सोने का चांस मिला तो वो सो गई थी। बच्चों के सोने का सेटअप हमारे पास था, हमने उनके लिए सेटअप कर लिया था। यहाँ पर ज़्यादातर लोग फिशिंग कर रहे हैं और पानी में नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और वो जो आप पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पर मुमन डैम भी बन रहा है। ये सामने जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है ये बहुत सारे आमों के बाग हैं। यहाँ पर आसमान में काले काले बादल भी आ रहे हैं और मौसम बहुत ठंडा हो गया है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। वाह, ये देखिए यहाँ पर ग्रीनरी तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर नेचुरल घास है और बहुत अच्छा है। खा लिए तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम दरिया में ना जाएं। चले अब हम लोग चलते हैं और दरिया में ज़रा नहाते हैं, हम भी दरिया में एंजॉय करें। हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए नहाने के लिए और हमारे साथ बाबा भी जा रहे हैं। हमने से कपड़े चेंज कर लिए ताकि हमारे कपड़े ख़राब ना हो जाए। सब ने नमाज़ें पढ़ ली हैं और अब हमारे जाने का टाइम हो गया। अब हम जा रहे हैं। वापसी पे जाते हुए हमने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग खाली हाथ जाएं।
तो फिर हम लोग एक आम के बाग में गए, फिर उन्होंने हमें फ्रेश फ्रेश मैंगो दरख्त से उतार के दिए, हमने उससे करेट बनवाया, फिर उन्होंने हमें टेस्ट करवाया, आम बहुत ही मीठे थे। ये देखिए कितना प्यारा बाग है, इधर मैंगोज़ इसीलिए अभी कम है क्योंकि मैंगोज़ का एंड हो रहा है सीज़न, और यहाँ पर बहुत कम कम मैंगोज़ हैं। फिर हमने उनसे परमिशन ली, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें वहाँ पर विज़िट करने दे, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से माने और फिर हमने आप लोगों की खातिर विज़िट किया। देखे कितना खूबसूरत, बहुत ही हद से ज़्यादा खूबसूरत आम का बाग है, लेकिन वो ज़्यादा अंदर नहीं जाने दे, उन्होंने कहा कि बस यहाँ से ही बना लें। फिर मेरा मैंगो तोड़ने का इतना दिल चाह रहा था, फिर मैंने अंकल से जाके रिक्वेस्ट की कि अंकल प्लीज़ आप मुझे एक मैंगो तोड़ने दे, ज़्यादा नहीं बस सिर्फ एक ही, तो अंकल मान ही नहीं रहे थे, फिर वो कहीं जहाँ कर इतनी मुश्किल से माने, और फिर मैं गई, मैंने अपने हाथों से मैंगो तोड़ा और वो जो मीठा था, ओहो ऐसा मैंगो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। मैं अभी आम के बाग में खड़ी हूँ और ये सारी दुआबा कैनाल बह रही है। मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़।